मैं और भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस भवन के रूप में आपसे हम अपेक्षा रखते हैं कि आप वो भी आज यहाँ क्लियर करके जाए शाम का एक बार पुनः चार दिन से अपने लोग जो मैं पानी दिखा शाम का अभिनंदन भारत माता की जय हो, बोली राम साहब पीर की जय हो, बोली राम साहब पीर की जय हो। बाबा जी धरती माता है और ये पवित्र प्रांगण में आज अपन बीच विराज हो रहा संपूर्ण भावरी समाज ने मैं प्रणाम करूं और ये कार्यक्रम आयोजित करने वाला भाई सरवण जी ये दास खेड़ा है बीस खेड़ा है भावरी समाज का अध्यक्ष और हमारे ही भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यक्रम में सदस्य और भावरी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय आसुराम जी जेतार पंचायत समिति का नव निर्वाचित प्रधान साहब आदरणीय मेघाराम जी सोलंकी सोजत नव निर्वाचित प्रधान साहब आदरणीय धोबी देवी जी और आपका पतिदेव तेजाराम जी मारे साथ पधारे हुआ भाई धर्मचंद जी गाची साथ सरपंच साहब रामदेव जी मावर पंचायत समिति का मेंबर भाई चंबालाल जी जुजंडा जबरचंद जी वरवड़ा सरपंच साहब भाई बाबूलाल जी बाबरा मंडलाध्यक्ष और सरपंच साहब भाई देवेंद्र सिंह जी बुटिया सरपंच साहब भाई साहब महेंद्र जी ये पूरी की जेतान पंचायत समिति का स्वागत रहा पदा रहे पिता पुली बुजुर्ग नौजवान साथियों माताओं बहनों प्यारे भाई और बहनों मैं सबसे पहले जी बावरी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि आप लोग और कार्यक्रम रात हमारे लोगों ने भी बुलाया राम साहब के मंदिर है आगने में जो स्वागत सम्मान आयोजित करिए आप लोग इन वहां से आप सब लोग और पूरे भावरी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद टोगड़ा सरपंच साहब ये नाराज मत दीजिए सेट हुए टोगड़ा सरपंच साहब दौड़ हुए सब मैं ना तेरी माफी मांग लू के कोई देखो लोग बैठा घना सब नाम सबको उन्हीं लेना इन तो सब लोग हो और मैं धन्यवाद दू भारतीय जनता पार्टी का परिवार ने जिन्हें छोटे छोटे कार्यक्रम लगाए और बड़ो बड़ा संगठन का पदाधिकार तक और आप लोगों ने कि जेतान विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो ये पंचायत राज चुनाव में और जेतान और रायपुर दोनों जगह मत है प्रधान और उपप्रधान भारतीय जनता पार्टी में बड़ो में आप लोगों ने जितने योगदान हो इन वास्ते मैं छत्तीसगढ़ को बहुत बहुत धन्यवाद करूं हमारे चुनाव के महीने भी आज दो साल पहले जिन्हें चुनाव हुआ उनने भी आप लोग खूब सहयोग करियो और आप लोगों का सहयोग की बदौलत हमारी तरफ साधन समिति जेतान क्षेत्र 3 लाख जनता में एक प्रतिनिधि आप लोग चुन लो और वो हमारे तरफ साधन व्यक्ति ने आप लोगों को आशीर्वाद दियो वो भी आप लोगों की मेहरबानी नहीं उन्हें 4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव आया रिकॉर्ड तौर पर बम पर वोट दिया और मारो दूरा वोट दे और आप लोगों ने लोकसभा में मैंने 25 से 25 सीटें दी और राजसमंद सीट राजस्थान में मैंने सबको टॉप 3 नंबर में जीते 5.5 लाख वोटों इन वास्ते भी आप लोगों का धन्यवाद है और तीजा चुनाव आई 2 साल के कार्यकाल में जब आप अग्नि परीक्षा में गुजरिया और अग्नि परीक्षा में एक बार पाछ आप लोगों का आशीर्वाद हो पार्टी ने जीत रही पार्टी के कार्यकर्ता ने जीत रही और मेघाराम जी जरा ईमानदार और सच्चा आदमी ने अगर आप लोग प्रधान बनाओ तो पूरा एरिया में जितने चुनाव लिया चुनाव रहे बाद में जितने गिनती रही गिनती के बाद पूरा एरिया में एक ही हवा हिसाब से मेघाराम जी बन जावे हालांकि पार्टी में निर्णय तो बाद में हो लेकिन और ईमानदारी वहां में क्यों जिन्हें गयो उन्होंने पहले जो टेलीफोन आया उनने मेघाराम जी एक स्वर महीने आवाज आई कि भाई मेघाराम जी ने अगर आप प्रधान बनाओ ना तो इस क्षेत्र में इन्हें सुख शांति में रहेगा अच्छा रहेगा और हमारे जवान आप लोग बताए 5 सीटा रिजर्व सीटा ही
उन मत मां पांच सीटा तो ही पर मां आठ सीटा माते एस सी एस टी वाले लोगों ने टिकट दिया था वो अनुसूचित जाति वास्ते। मैं लोग चाहता भाई कि आप प्रधान लोगों को है अच्छो अच्छा आदमी आगे लाने की कोशिश करी पर वो फैसलो जनता करिए कि आखिर महीने के चार ए मारा उम्मीदवार जीत गया तीन तो मारी बहन जीती और एक भाई मेघराम जी जीत गया। अब मुझे जिनसे चुनावी बारी भी जो तीन बहन जीती पर थोड़ी उम्र भी कम है और ए लाने हाल ही को लिखा है। अब कैसे मैं राजनीति महीना माने कार्यक्रम रहे सुबह लगाने शाम तक रात तक रहा तो कार्यक्रम में मेरे जाओ जन माने जनप्रतिनिधि हाथ रहे तो एरियर में पेट बने अभी बायन में फालतू तंग करनी चाहो तो उन्हें पार्टी और निर्णय हो कि अभी नहीं मेघराम जी बड़ा ईमानदार आदमी है और मेघराम जी नाम आते हैं। मैं धन्यवाद हूँ जोकार पंचायत समिति ने सब जिसे तेरा जीत दिया दो आवल की जीत दिया एक निर्दलीय सोलह जना मिल और मेघराम जी एक साथ समर्थन दिया सब एक हाँ बोलिया कि अभी मेघराम जी अगर बढ़त में सब लोग साथ वो पार्टी ने निर्णय हो ऐसे पंचायत समिति मेंबर ने साथ ले चले ला सब सरपंच साहब वगैरह साथ ले चले ला और जितने भी जनप्रतिनिधि है सब समाज का मारे मेघराम जी को है कोई जीत कर बाद में कांग्रेस बीजेपी अपने नहीं कर रही आप जीत का जीतना बाद में ये क्षेत्र प्रत्येक जनता पाई है अगर आप लोग काम करेला तो अपन साथ जुड़ेला और आपने कार्यकाल पांच साल पूरे जाएगा उन बातों के लोग आपने याद करेला माने ध्यान है कि 1995 में जिनने पहली बार आरक्षण रियो आ सीट आरक्षित रही और उनके पंचायत मेंबर थ्रू वोट पड़िया उनने उदाव देव जी प्रधान बनिया और आ तो बच्चों से माके झगड़े में बैठने चाहता क्यों गर्म महीनों भाभी जी जो बन गया प्रधान 20 साल बाद में मेरा एम ही बड़े तो दोनों झगड़ो हो तो मेरे झगड़े मैटर में आते आज बच्चे तो मानवा तकलीफ है ए दोनों ए जाओ जी ने भाभी जी हरपाल के देखो मैं तो प्रधान बनाया आप भी बनिया वो झगड़े मैटर में आते हैं मेघराम जी ने प्रधान बनाया अब ए जीते दोनों जी जीते दोनों एक दूसरे प्रधान प्रधान क्यों करे आज वो बच्चों माँ वो झगड़े मैटर में प्रधान साहब है और जिला सबका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा इस मंच पर इस सभागार में विराजमान सभी साथियों को नौजवानों को बुजुर्गों को मेरा बहुत बहुत राम राम। अन्ना जी गहलोत साहब की मेहरबानी से और आप सबके सहयोग से आप लोगों ने हम सबको बुला करके यहाँ जो मान सम्मान दिया जो आदर सत्कार दिया उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे इस बार जब पंचायत समिति के चुनाव का समय आया तो जतन तहसील में 5 सीटें रिजर्व थी एससी के लिए 5 सीटें रिजर्व थी उसमें से गहलोत साहब ने अपने समाज को 4 टिकट दिए थे 5 टिकट सुनने जाते हैं उसमें से अपने समाज को अकेले पर इन्होंने 4 टिकट दी उसमें से अपने समाज के 3 आदमी जीत के आ गए एक सीट हारी वो अपने समाज की गलती से हारे क्योंकि वो अपने ही समाज के 3 आदमी खड़े हो गए इसलिए वो सीट हारा। ऐसा करें भी आपको एक समाज को 5 में से 4 टिकट दे गहलोत साहब की अन्ना जी गहलोत साहब की मेहरबानी से अपने समाज को इसका आगे बढ़ाने का मौका दिया इसके मेरे लिए मैं आप मेरे साहब का तहे दिल से आभारी हूँ पूरा समाज इनका आभारी है। यही सीट प्रदान की बात उसमें भी आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे समाज को इन्होंने आगे किया इसके लिए ये समाज पूरा आपका तहे दिल से आभारी है बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आगे मैं आप लोगों को समाज में कुछ कुरीतियां है उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बाकी उन कुरीतियों से अपन को दूर रहना है और समाज में शिक्षा की सबसे बड़ी कमी है न बच्चे स्कूल जा रहे हैं न बच्चे स्कूल जा रही है शिक्षा के मामले में अपन 1% भी नहीं है और समाज की तुलना में बहुत ही कमी है हमारे समाज में इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि बच्चों को सबको आप एजुकेशन कराओ पढ़ाई लिखाई करो इसी में आप समाज का भला है बगैर पढ़ाई लिखाई के कुछ भी होने वाला नहीं है इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप शिक्षा के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।